सर साहब, सारा सिविल जो डीसी ऑफिस है यहाँ आ गया है। ये यहाँ पे सारे अफसर आ गए हैं। अब इनको हम यहाँ अंदर जगह देंगे बैठने की, और आप लोग गेट क्रॉस नहीं करेंगे। मैं गेट बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आप शांति से पहले अपना नाम लिखवाना शुरू करें। दूसरी बात, मैंने गुप्ता जी से बात कर ली है। मैंने कहा है कि पूरा अप्रैल का तनख्वाह चाहिए, पूरा तनख्वाह। आप लोग जिसके बाद हल्ला करोगे ना, तो मैं हट जाऊंगा। तो सुनिए, आप देखिए, मेरे बात करने को पुलिस की मजबूरी मत समझना। यहाँ पर मैं 10,000 फोर्स भी बुला सकता हूँ और आपको एक एक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ, लेकिन ना आप मजदूर हैं, आपसे मेरा लेना देना है। आज तक ना मैंने कभी किसी मजदूर को तकलीफ दी, ना आगे हमको देने की इच्छा है। अभी आपकी जो दो डिमांडें थी, एक आपके तनख्वाह को लेके थी और एक आपके घर जाने को लेके थी, ये दोनों चीज़ों के लिए इसका सलूशन हो गया है। पहली बात कि मैंने गुप्ता जी को साफ बता दिया है कि आप अपने मैनेजमेंट से बात करें, मजदूर का जो हक का तनख्वाह है, उसका जो अप्रैल महीने का तनख्वाह है, आप उसको पूरी तनख्वाह दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, इस चीज़ के लिए हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं क्रिएट करेंगे। इसमें घंटा, दो घंटा, चार घंटे की शर्त डालने की गलती मत करना। आप आराम से उनको आज का दिन दीजिए, मैं दो दिन भी नहीं मांगता हूँ, आज का दिन दीजिए। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। मैं चाहता तो आपके आश्वासन पे अपने एयर कंडीशन दफ्तर में जाके बैठ सकता था, लेकिन मैं आपके आश्वासन पे यहाँ रुका हुआ हूँ। आप मेरे अफसरों को सुरक्षा करिए उनकी, आप मेरे अफसरों के पास अपना नाम लिखवाना शुरू करिए, ताकि पता चले कि किस जिले का कौन है। जितना इसमें डिले करेंगे, उतना आपके घर वापसी में आपको दिक्कत होगी। बात समझे आप? अब मैं पूरा प्रोसेस, जो इसकी पूरी क्रिया है, वो आपको समझा देता हूँ, ताकि माइंड में कंफ्यूजन ना हो आपके। जितने भी इस देश में मजदूर हैं, सबको अपने अपने गृह जिले में जाने की इजाजत सरकार ने दी है। ओके, इसका सिस्टम क्या होता है समझिए। सिस्टम ये होता है कि जैसे आप अभी कठुआ में हैं, तो कठुआ का जो डीसी ऑफिस है, आपकी लिस्ट बनाता है। लिस्ट बनाने के बाद वो जिले के हिसाब से आपको अलग अलग करता है। उस जिले के डीसी को, जो डीएम साहब होते हैं, उनको वो लिस्ट ईमेल से भेजी जाती है कि हाँ देखिए, इतने मजदूर आपके हमारे पास हैं। फिर वहाँ के डीएम हमको बताते हैं कि ठीक है, आप इनको भेज सकते हैं। फिर भेजने के लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आप लोग चाहें तो अपना प्रबंध करके जा सकते हैं, आपको पास मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपके पास प्रबंध नहीं है, तब हम वो जिले के डीसी से दरखास्त करते हैं कि आप वहाँ से गाड़ी भेजिए। जैसे हर जगह आप सुन रहे होंगे कि गाड़ी भी आ रही है, तो वहाँ से जो गाड़ी आएगी उसके अंदर आपको भेजा जाएगा। तीसरा प्रबंध है कि कल या परसों में कठुआ से ट्रेन चलने वाली है, तो अगर ट्रेन चली तो उसके लिए हम बात करेंगे, जो लेबर सेक्रेटरी है, लेबर सेक्रेटरी साहब से बात करके हो सकता है तो आपको ट्रेन के जरिए भी जाने की इजाजत मिल सकती है। इसका मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? मैं मेरी आदत है, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है? तो जो है साफ साफ बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अब धीरे धीरे आप लोग दुखी कर रहे हो। दुखी यह है कि ये जो जिंदाबाद जिस इलाके का नारा लगा रहे हो ना, उसकी संस्कृति ये नहीं है। उसकी संस्कृति है कि जो अपना अफसर होता है, जो अपना बड़ा भाई होता है, उसकी बात को आगे आप बांध के चले, ठीक है? अब आप सिर्फ अपने अपने कमरों में जाएं, यहाँ अनाउंसमेंट होगी, वही नीचे आके नाम लिखवाएं। मैं यहाँ पे 1,000 आदमी का जमावड़ा नहीं चाहता हूँ। ये अफसर है, इनका ख्याल रखें। आज कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, और हमारा सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया है। आप इनको बीमार मत करिए, हम तो हो गए हैं, मैं तो आपके बीच में हूँ, हमको छोड़ दीजिए, हम आप ही के बीच में हैं। ये पसीना हमारा भी निकल रहा है, आपका भी निकल रहा है। तो आप अपने अपने कमरों में जाएंगे, ये माई के भोंपू में यही छोड़ रहा हूँ। इसमें जब वो अनाउंस करेंगे कि फलाना जिला वाला नीचे आओ, वो आएगा, अपना लिखवाएगा, फिर चला जाएगा। फिर अगला जिला वाला आएगा, लिखवाएगा, चला जाएगा। अभी शुरू करेंगे, शाम तक सबका कंप्लीट हो जाएगा, समझे आप? लेकिन थोड़ा भी हो हल्ला हुआ, थोड़ा भी बदमाशी हुआ, तो यहाँ पर फोर्स आएगी और मेरा शक्ल दोबारा आप नहीं देखेंगे। फिर मैं हेलमेट डालूंगा और उसके बाद आप और मैं निपटेंगे, बात समझे? तो मैं यकीन मानूं कि अब मैं जाऊं वापस अपने ऑफिस। अल्लाह नहीं होगा, आप अपना आराम से जाइए। ये हुआ ना असली बात, आराम से जाइए। चलो बोलो गंगा मैया की।
माता की।